नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पहलवानों के दंगल के बीच WFI चीफ ब्रिजभूषण का बड़ा बयान, कहा अगर आरोप साबित हुआ तो लगा लेंगे फांसी। किसान आंदोलन की तर्ज पर खिलाड़ियों का आंदोलन, आज पहलवानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा भी पहुंचा जंतर मंतर। हरियाणा में जल्द हो सकते हैं निकाय चुनाव, आयोग ने सरकार को सौंपी आरक्षण संबंधी रिपोर्ट। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके साथ अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी करेगी। उम्मीद है कि जून में चुनाव हो जाएंगे। इस बीच वार्ड बंदी और सूची का काम चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है। आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम सौंपा गया था। आयोग ने विभिन्न बैठकें आयोजित की और राज्य स्तर के सभी DC से उनके जिलों के नगर पालिकाओं की संख्या जनसंख्या के आंकड़े मांगे। विस्तार से चर्चा करने के बाद आयोग ने नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दे दी है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। वे लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच WFI चीफ ब्रजभूषण का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वे फांसी लगा लेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने वीडियो के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने अपने आप को बेकसूर कहते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। चाचा ताऊ, हमारी बात मत मानो। अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो एक मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, एक मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ब्रजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना। और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे, आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। धरनारत पहलवानों के समर्थन में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन उतर चुके हैं और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर कूच करने की घोषणा कर दी है। और आज किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए
दिल्ली कूच कर चुके हैं। किसान नेताओं की घोषणा के मद्देनजर पुलिस ने भी धरना स्थल और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि उनका संगठन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगा। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए किसानों को वहां पहुंचने के मद्देनजर रविवार को प्रदर्शन स्थल और शहर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और दिल्ली गाजीपुर टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर घेराबंदी बढ़ा दी गई है। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ पहलवानों के धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ दर्शन पाल, हनान मौला जैसे नेता भी पहुंचे। एसकेएम ने पहलवानों को समर्थन देने की घोषणा की। एसकेएम नेताओं ने मोदी सरकार और ब्रजभूषण का पुतला जलाने की भी घोषणा की है। ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है और उन्होंने राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे बल्कि पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द यानी नकल प्राप्त कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए सांझे खेवड़ की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम है। आज मैं ऐसे किसान बंधुओं से बात कर रहा हूं जो कभी कभी समय आने पर अपने कंप्यूटर के माध्यम से और ई फर्द यानी जो फर्द निकालने की उनकी ज़रूरत रहती है कभी कभी वो फर्द उन्होंने पिछले समय में लगभग 4 महीनों में हस्ताक्षर वाली जमाबंदी उसकी फर्द की नकल निकाली है। मैं आपको ये ध्यान कराना चाहता हूँ कि हमने ठीक 2014 में जब शासन संभाला तो उस समय ये बात कही थी कि हम सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस इस नाते से अपने शासन को आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं जो तकलीफें हैं वो कैसे बंद हों और उसमें बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता थी। उसमें बड़ा वर्ग हरियाणा के अंदर जैसा हम जानते हैं कि वो किसान वर्ग है। किसानों को भी बहुत सी तकलीफें बहुत सी कठिनाइयाँ अपने सरकारी कामकाज में ये आती थी। उसमें हमने कई कार्यक्रम शुरू किए जिसके अंदर मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने शुरू किया। उसमें मंडियों से सीधी पेमेंट करने के लिए हमने ई गिरदावरी और ई पेमेंट अर्थात अपने आप पेमेंट हो, गिरदावरी भी जो है वो हमारी डिजिटल तरीके से कंप्यूटर के तरीके से हो और उसी का एक कार्यक्रम हमने चलाया ई फर्द अर्थात फर्द भी हमें अपने आप कंप्यूटर से ये मिलनी शुरू हो जाए। और ये फर्द का जो कार्यक्रम है हमने इस पिछले 25 दिसंबर 2022 को शुरू किया था ताकि इससे पहले जो फर्द पर हम पटवारियों से साइन कराते थे और पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, बहुत समय लगता था, बहुत पैसा भी उसमें लगता था, वो हमें कैसे सुविधाजनक अपने आप साइन की हुई फर्द ये हमें मिलनी शुरू हो जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 महीने में लगभग 10,000 किसानों ने अपनी फर्द अर्थात जमीन का अपना प्रमाण कि ये जमीन मेरी है इस नाते से उन्होंने इसका उपयोग किया है। और जब ई फर्द निकालते हैं तो स्वाभाविक है उस ई फर्द का उपयोग हमें बहुत जगह पर होता है। हम अपनी जमीन के मालिक हैं इसका एक डॉक्यूमेंट हमें मिल जाता है। हम उस जमीन के ऊपर अपना बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक भी उस हस्ताक्षरित ई फर्द को स्वीकार करने लगा है। इसी प्रकार अपनी जमीन की खरीद बेच करते समय भी ई फर्द हमारा एक प्रमाण होता है कि ये जमीन हमारी है, हम इसको कहीं भी आगे पीछे बेच सकते हैं। तो जो काम हमारा ई फर्द यानी फर्द पर साइन कराने के लिए महीनों महीने लग जाते थे वो मिनटों में अभी ये काम होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ी लाभ हमको ये इसका हुआ है। फतेहाबाद जिले के नजदीकी गांव भीगड़ में दिल दहला देने वाली वारदात का मामला सामने आया है। यहां के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की कैंची से वार करके हत्या कर दी। मृतका का शव खून से लथपथ हालत में बाथरूम में पड़ा मिला। बाथरूम की दीवार पर भी
खून लगा हुआ था और वहां पड़े मटके और बाल्टी आदि भी टूटे हुए थे। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद खुद आरोपी ने सदर फतेहाबाद थाना जाकर पुलिस के सामने सरेंडर किया। हालांकि पुलिस इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद के स्वामीनगर निवासी छिंदा और उसकी पत्नी ममता के बीच अनबन चल रही थी, जिस कारण कुछ दिन पहले ही 32 साल की ममता अपने पति से अलग गांव बीगड़ में किराए के मकान पर रहने आ गई थी। मृतका का एक बेटा और बेटी है। बताया जा रहा है कि छिंदा को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसको लेकर उनमें अनबन थी। इसी अनबन के चलते आरोपी पति अपनी पत्नी से मिलने आया और उनमें झगड़ा हो गया। इस दौरान छिंदा ने कैंची से वार करके ममता को मौत के घाट उतार दिया। अंबाला में सीआईए शहजादपुर ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। ड्रग्स सप्लायर के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली गोलियां व कैप्सूल बरामद किए गए हैं। आरोपी नावल्टी चौक के पास नशीले कैप्सूल व गोलियां सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। आरोपी की पहचान अंबाला सिटी का निर्मल विहार निवासी प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक सीआईए शहजादपुर की टीम मंजी साहिब गुरुद्वारा के पास गश्त पर तैनात थी और सूचना मिली कि अंबाला सिटी निर्मल विहार निवासी प्रवीण कुमार वर्मा नशीली गोलियां बेचने का धंधा करता है और वह नवेल्टी चौक के पास नशीले कैप्सूल में गोलियां बेचने के लिए खड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत रेड करते हुए मुखबिर के इशारे पर आरोपी प्रवीण कुमार वर्मा को काबू कर लिया। आरोपी के पास से बरामद पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 5340 नशीली गोलियां और 480 कैप्सूल बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल और 2500 रुपए की नकदी भी बरामद की है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड लिया गया। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में तैनात 4 एम्बुलेंस चालकों के शराब पीने का मामला सामने आया है। इसकी सूचना मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को मिल गई और इसके बाद सेम फ्लाइंग ने चारों एम्बुलेंस चालकों को दबोच लिया। एम्बुलेंस चालक ऑन ड्यूटी थे और उनको किसी भी वक्त कॉल आने पर उनको जाना पड़ सकता था, इसके बावजूद वे शराब पी रहे थे। सभी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। नागरिक अस्पताल के पुलिस चौकी के बिल्कुल बगल में ही एम्बुलेंस चालकों का एक कमरा बना हुआ है और इस कमरे में एम्बुलेंस चालक पिछले करीब 2-3 महीनों से हर रात को जाम छलका रहे थे। इस बात की जानकारी सेम फ्लाइंग तक भी पहुंच गई। चारों जब पूरी तरह से शराब के नशे में धुत थे, तो उसी समय मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने रेड मार दी। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।